1, 2, 3, come on! हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी एस अकेडमी। मैं हूं आपका जी एस सर। स्टार्ट करता हूं प्रैक्टिस सेट 1, सो कीप वॉच, ऑल द बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग अबाउट लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? एक एग्जांपल, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? जिस वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है, जिस वेरिएबल का पावर ओनली 1, जिस वेरिएबल का पावर ओनली 1 हो, दैट इज लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहां पर केवल 1 वेरिएबल का यूज किया गया है, सो दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, जिस वेरिएबल का पावर ओनली 1 हो, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन। 2x। नाउ अब यहां पर बात करते हैं 2 वेरिएबल की। यदि मैं इस इक्वेशन को 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रख दूं, यहां पर देखिए पावर 1 है, इस वेरिएबल का भी पावर 1 है, सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन। बट यहां पर 2 डिफरेंट वेरिएबल का यूज किया गया है, एक्स एंड वाई, 2 डिफरेंट वेरिएबल का यूज किया गया है, सो दिस इक्वेशन विल बी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मैं बार बार बोल रहा हूं, लीनियर इक्वेशन मींस किसी भी वेरिएबल का पावर, द हाईएस्ट पावर कैन बी ओनली 1, सो दिस इक्वेशन इज द लीनियर इक्वेशन। ओके, चलिए इस चैप्टर को समझने के लिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझने के लिए एक बेसिक इक्वेशन का यूज किया जाता है, दैट इज बेसिक इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पर ध्यान रखना है आपको कि एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल का यूज किए गए हैं। एक्स एंड वाई आर 2 वेरिएबल एंड ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर रियल नंबर। ए बी एंड सी आर रियल नंबर। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखें, ए बी सी इज द कोफिशियंट, ए बी सी इज द कोफिशियंट ऑफ वेरिएबल x, y, और c इज द ओनली कॉन्स्टेंट, नॉट अ वेरिएबल। एक चीज और ध्यान रखना होगा आपको कि इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन से मैं जो बता रहा था, बेसिक इक्वेशन ऑलवेज a 0 के इक्वल नहीं हो सकते, b 0 के इक्वल नहीं हो सकते, ध्यान रखना है। a 0 के इक्वल नहीं हो सकता,
बी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि ए और बी को जीरो से यदि जीरो पुट कर दिया जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यदि ए के प्लेस पे यदि जीरो मल्टीपल एक्स प्लस बी के प्लेस पर भी यदि जीरो मल्टीपल वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो आंसर विल बी जीरो प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दिस इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओनली एक कांस्टेंट नंबर बच रहा है। सो इसलिए कहा गया है कि ए कभी जीरो नहीं हो सकते, बी यहां पर जीरो नहीं हो सकता, सी कैन बी, सी हो सकते हैं, बट ए मीन्स एक्स का वेरिएबल और वाई का वेरिएबल कभी भी जीरो नहीं हो सकता, माइनस में हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट जीरो के जीरो को छोड़कर। चलिए चलिए लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। और इज दिस इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इज दिस इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहां पर ढेर सारे एग्जांपल दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये इक्वेशन क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के है या नहीं। तो सबसे पहले अभी जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लीनियर इक्वेशन को समझना पड़ेगा, देन टू वेरिएबल को समझना पड़ेगा। तो यहां फर्स्ट क्वेश्चन इज द 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। देखिए यहां पर दो वेरिएबल का यूज किया गया है, m और n, एंड व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में बोला था कि पावर 1 होना चाहिए जिसके ऊपर कुछ नहीं होता पावर, सो वहां पर कैन बी 1। तो पूरे रूल को फॉलो कर रहा है ये इक्वेशन, 4m रेस टू 1 प्लस 3n रेस टू 1, यहां पर दो वेरिएबल भी है और इसका पावर 1 भी है, सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन, यस दिस इक्वेशन इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। आपको शायद समझ में आ गया होगा ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल का जो पावर होता है हाईएस्ट पावर कैन बी ओनली 1, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर 2 दिया हुआ है, सो ये लीनियर इक्वेशन हो ही नहीं सकता। नंबर थर्ड अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 5y इज इक्वल टू 16। यहां पर देखेंगे फिर से दो वेरिएबल का यूज किया गया है और इसका पावर 1 और इसका पावर भी 1 है, सो यस दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 को आप कंफ्यूजन और अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 इज अ रियल नंबर, और मैंने बताया था कि ए बी एंड सी कैन बी रियल नंबर। ओके सो यस, नाउ नेक्स्ट 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये अभी मैंने बताया था इसके पहले कि a इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड b नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, यहां पर यदि 0 को x से मल्टीपल कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, सो 0 होने के बाद केवल वेरिएबल एक ही वेरिएबल बच रहा है, तो इसके रूल को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि यहां पर टू वेरिएबल की बात किया है और आपके पास केवल इसको ये फिनिश होने खत्म होने के बाद केवल एक वेरिएबल बच रहा है, सो दिस इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके सो नेक्स्ट 0.3x प्लस 0y माइनस 36। देखिए यहां पर इस इक्वेशन में y मीन्स ये जो जीरो है वाई को मल्टीपल करने पर यहां इसकी फिर से एक बार वैल्यू जीरो हो जाएगी और यहां रिमेनिंग केवल एक्स बचेगा, सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4xy माइनस 5y माइनस 18। देखिए यहां पर इसको मैंने पहले से बता दिया था, इस क्वेश्चन को मैं यहां पर बता रहा हूं, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं।
सो मैंने एक बेसिक इक्वेशन बताया था आपको, इस लीनियर इक्वेशन का जो बेसिक इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जो कि पहले मैं बता चुका हूं। तो यहां पर ए बी एंड सी कैन बी रियल नंबर और वेरिएबल केवल एक और दो, इस रूल को फॉलो करना चाहिए। बट यहां पर एक्स वाई दो एक दो वेरिएबल एक साथ लगे हुए हैं, सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट, 4 अपॉन x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 अपॉन y इज इक्वल टू 4। इफ दिस इक्वेशन इज आल्सो नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बिकॉज यदि मैं 4 इसको सॉल्व किया जाए, सो 4 मल्टीपल 1 अपॉन x प्लस 5 मल्टीपल 1 अपॉन y इज इक्वल टू 4। देखिए फिर से इस बेसिक इक्वेशन की बात करूं तो 4 and 5 and 4 इज द ए बी सी इज द रियल नंबर, बट यहां पर वेरिएबल x के प्लेस पे इसका रेसिप्रोकल करके रखा गया है। सो अभी फिलहाल ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं है। शायद आई होप कि आपको इस इक्वेशन को समझना और क्लासिफाई करना आ गया होगा, और यदि कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर देकर रखा है, कोई भी डिस्कशन कोई भी कमेंट कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेहिचक आप यू कैन टॉक टू मी। ओके।